Good morning, students. How are you all? Welcome back once again. This is your last video, part of geography lesson number 2. Today, talking about longitudes, immortal lines of longitudes, at of longitudes, international date line, grid, and etc. Let's go. Longitudes. The lines that run vertically through poles are called longitudes. This line run from north pole to south pole. They are called verticals. Lines that run vertically through the poles are called longitudes and meridians. The lines run from north pole to south pole, it is called verticals. This vertical the longitudes are vertical semicircle drawn on the globe. They run from north pole to south pole. A Uttridru दक्षिणी ध्रुव तक चलता है दे आर ऑल्सो कॉल्ड मरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और विच मीन्स मिड डे ए ऊर्जादार रेघायो समगौन पर अश्याम शव को काटती है उन्हें देशांतर या मध्यान्ह के रूप में माना जाता है डूरिंग दिस का द अर्थ रोटेशन इच मरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड फेसस द सन दट द टाइम इट्स द मिड डे और न्यून अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूड दॉर ऑल द प्लेसिस द मरिडियन एक्सपीरियंसेस नून एट द सेम टाइम पृथ्वी के घूमने के दौरान देश अंदर के प्रत्येक मध्यान्ह सूर्य का सामना करता है इस प्रकार उस समय एक देशांतर के साथ मध्य दिन या दोपहर है इसलिए एक मध्यान में स्थिति सभी स्थानों पर एक ही समय में दोपहर का अनुभव होता है दसवीं वी कॉल प्लेस लोकेटेड द मेरिडियंस एक्सपीरियंस नोन टू द सेम टाइम स्टूडेंट्स द वर्ड मेरिडियन इज ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ meridians it means midday meridians means is known as midday we use am and pm to express time am stands for anti-meridian before noon and pm stands for post-meridian after noon all the longitudes all the longitudes are marked at an angular distance to the east of the west from the prime meridian which is the 0 degree meridian this passed through the greenwich royal observatory london at the and the north pole and south pole it also it is also called the greenwich meridian सभी अनुदैर्घ्य का प्रदान मेरिडियन से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी पर चिन्हित किया जाता है जो कि जीरो डिग्री मेरिडियन है दिस पैसेस थ्रू द ग्रीन विच रॉयल ऑब्जर्वेटरी ए ग्रीन विच रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंडन से होकर गुजरता है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त तो होता है इसे ग्रीनविच मेरिडियन कहा जाता है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी चैरिटिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स आर लोकेटेड जीरो डिग्री टू वन हंड्रेड एटी डिग्री इन द ईस्टर्न हेमिसफीयर जीरो डिग्री एंड टू वन हंड्रेड एटी डिग्री इन द वेस्टर्न हेमस्फियर टू लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कुलर इन शेप ये अर्ध वृत्ताकार है सेमी सर्कुलर इन द शेप दिस सेमी सर्कुलर कन्वर्ट्स एट आर इक्वल इन लेंथ ये अर्थवृत्त ध्रुवों पर परिवर्तित होता है अक्षांशों के विपरीत वे लंबाई में बराबर है ई एंड डब्ल्यू ई डिनोट्स में ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड w denotes west indicating the longitude the western hemisphere they are also marked degree minutes and seconds Assumption ko degree minutes or second mein maapa jata hai other important lines of longitudes important lines of longitudes it is used to as a reference for all other meridians of longitude which are on the east or west of it इट इजो द बेसिस फॉर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जोन इसका उपयोग ऐसा होती है देशांतर के अन्य सभी मध्यान्ह के संदर्भों के रूप में किया जाता है जो इसके पूर्व या पश्चिम है एक दुनिया के मानव समय क्षेत्र के आधार के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल डेट लाइ इट पासस् थ्रू द मिड फसिफि ओशियन द रफ्ली फॉलो द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यह मध्य प्रशांत महासागर से गुजरता है पसफिक वन ऑफ द ओशन इस पसफिक ओशियंड द रफ्ली फॉलो द वन हंड्रेड डिग्री एयटी डिग्री लॉन्गिट्यूड्स द दाष्ट्र डेट लाइन फंक्शन लाइन ऑफ डेमोक्रेशन सेपरेटिंग टू कंसिटिव कैलेंडर डेट्स और लगभग 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करता है इंटरनेशनल तिथि रेहा दो लगातार कैलेंडर तिथियों को अलग करते हुए सीमां एक पंक्ति के रूप में कार्य करती है सेपरेटिंग टू कंसिट्यू कैलेंडर डेट्स The International Date Line was established in the year of 1884. It is located half round the world from the Prime Meridian. Look at the picture. It is half of the International Date Line, and this it was it was established in the year of 1884. Located half way round of the world from the Prime Meridian look at the test book we will study about the longitudes and their relation with time zone in the next chapter as or okay it passes through roughly in the pacific ocean and roughly follow the 180 degree this example ship and aeroplanes crossing this line change the date on their calendar

next we are going to study how are the navigation system used to be located in a place. comoti has become the user of this dice with the help of satellite navigation systems. this system uses satellites to provide self-determining geospatial positioning. it is also called the sat-nav system. सैटेलाइट नाविगेशन सिस्टम की मदद से इन दिनों कमोडिटी आसान है आसान गई है ये प्रणाली उप निर्धारण स्थानिक स्थिति प्रदान करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करती है इसे सतनव तंत्र भी कहा जाता है सतनव सिस्टम नाविगेशन सेटलाइट आर आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइडिंग टू पोजीशन एंड ट्रैकिंग द डिस्ट आर फिट विदीवर द सिग्नलिकस एंड टाइम ट्रेक रीच पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नाविगेशन मतलब उपग्रह का उपयोग ऐसे होती है उपग्रह का उपयोग स्थिति प्रदान करने और उन उपकरणों को ट्रैक करने के लिए भी किया जाता है जो एक रिसीवर के साथ फिट होता है द सिग्नल्स द द सिग्नल्स अलाउ दिग्नेल्स रिसीवर टू कैलकुलेट द एक्सैक्ट डिस्टेंस एंड टाइम टू टेक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन किसी विशेष गद्यंत तक पहुंचने के लिए सटीक दूरी और समय के गणना करने के लिए अनुमति होता है वन एग्जाम्पल इज देयर

अपन कहीं जाए जाए तो अपन मतलब जगह पता करने के लिए अपन ये इस्तेमाल करता है डे स्टूडेंट्स यू आर लेसन टू द कंप्लीटेड थैंक यू